भारत माता की, भारत माता की। हमारा आखा आदिवासी भाइयों बहनों, तुम सब काजे भोगरियान ने होली माता की राम राम। मेरी अपनी ओर से आप सबको भोगरियान हाट की बहुत बहुत बधाई। आनंद हम सबका सौभाग्य है। परमात्मा की दया से आज बोलने का मजा कम है और आपके नृत्य का डांस का मजा बहुत जबरदस्त है। ये भगवान ने जब पृथ्वी पे लोगों का भाग्य बनाया तो मध्य प्रदेश वालों पे ज्यादा माया लुटाई, ज्यादा आनंद दिया। और मध्य प्रदेश में जो ज्यादा आनंद दिया उसमें रुपये में भारियाना अपने आदिवासी भाइयों बहनों को दे दिया कि खूब मस्ती में नाचो गाओ। आदिवासी भाई बहनों के प्रत्येक त्योहार का मजा, जीने का आनंद, मिल बैठ के खाने पीना का आनंद और होली के अवसर पर ये जो अपना आनंद लुटाते हैं, देवता भी तरसते इतना आनंद पाने के लिए। ये आप सबका भाग्य, ये आपका सौभाग्य। बाबा महाकाल की कृपा, होली माता की कृपा आप पे कुछ ज्यादा ही है। जोरदार तालियां आपने गजेंद्र सिंह जी के लिए, हमारे लोकप्रिय सांसद। इस अवसर पर हमारे साथ मंच पर मौजूद सुमेर सिंह पटेल जी के लिए, सुमेर सिंह सोलंकी के लिए जोरदार तालियां। और कमल नयन जी इंगले, कहां है कमल नयन जी? जोरदार तालियां कमल नयन जी के लिए। श्याम जी बर्डे विधायक जी कहां हो? जो विकास आर्य जी, जय कुमार जी रावल विधायक महाराष्ट्र मेरे को लेने के लिए आया। आपसे मिलने के बाद सीधा उनके हवाई पट्टी से दिल्ली या भोपाल जाना पड़ेगा। जोरदार तालियां हमारे रावल जी के लिए। प्रेम सिंह पटेल जी, श्रीमती बसंती आर्य जी अध्यक्ष नगर पालिका, हमारे काकी साहब आपके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। सुभाष पटेल जी, सुभाष जी जोरदार तालियां सुभाष जी के लिए। श्रीमती लता पटेल, कहाँ है लता जी? जोरदार ताली बजाते हैं, मैं नाम बोलते जाता हूँ। श्रीमती कविता आर्य, बहुत जोरदार। अब इसमें तुमने संकट कर दिया, इसमें श्री कविता लिख दिया तो मैं ये संकट में पड़ गया। पहले देखो फिर बोलो। कभी कभी नाम ऐसे रहते कि महिला का एक पुरुष का पता ही नहीं चलता है। अब मैंने अपने एक दोस्त का लिखा नाम, तो उस दोस्त का नाम कीर्ति रावल, तो उसकी पत्रिका आती श्रीमती कीर्ति रावल। बहुत सारे लोग से तो कीर्ति मतलब महिला होती, दोस्त का नाम कीर्ति है। गणेश राठौड़ जी, जय कुमार रावल जी विधायक, कहाँ रावल जी है क्या? जोरदार ताले रावल जी के लिए भी। भवन चौधरी जी जिलाध्यक्ष धुले, कहाँ है भवन जी? जोरदार तालियां। लोकेश शुक्ला जी, विक्रम चौहान जी, राहुल पवार जी, ये हमारे खास करके त्योहारों की परंपरा में भगवान ने बसंती ऋतु के साथ, बसंत ऋतु के साथ ये जो होली का त्योहार का हमारा आनंद दिया है। हमारे पूरे साल के होने वाले सभी आयोजन पे अगर कोई त्योहार भारी है तो यह हमारा भगोरिया का हाट और होली का त्योहार ये सबसे भारी है। जीवन में आने वाले सब भी गुण अवगुण परेशानी दुख जो हमारे शरीर से साथ में कोई निकल गया उसके बावजूद भी केवल होली का रंग डल जाए और हम सब निवृत्त हो जाए, ये केवल एक संस्कृति है, वो हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति। और आदिवासियों के लिए तो मैं समझ सकता हूँ कितना जबरदस्त भगवान ने आपके बल पराक्रम बुद्धि योग्यता और निर्मलता पता नहीं कहाँ कहाँ से कमाते होंगे, लेकिन भगोरे का हाट तो अपने गांव में ही मनेगा, बाहर जाके नहीं मनेगा। यह जो आनंद है हमारे द्वारा खरीदारी बिकवाली जो भी कुछ करना है अपने इसी स्थान पर इस भगोरे के हाट के माध्यम से जितना आनंद आया है, जोरदार ताले नरेंद्र मोदी जी के लिए बजा। ऐसे व्यक्तित्व तो हमारे सामने है जो रोज अपने बीच में से अपने देशवासियों की चिंता करते हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि जब से हमारी सरकार बनी है हमने भी यही संकल्प किया, अपना टंटिया मामा खरगोन यूनिवर्सिटी, अब ज्यादा दूर नहीं, आपको इंदौर जाना पड़ता था अपने बच्चे बच्चे को, अब आने वाले समय में
ये खरगोन में ही विश्वविद्यालय बना दिया टंट्या मामा के लिए, जोरदार तालियां बजा टंट्या मामा के नाम पर। वो गया जमाना जब टंट्या मामा के लिए पता नहीं कितने कष्ट हुए, लेकिन ऐसा बहादुर लड़ाका जिसने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया, अंग्रेजों को घुटने पे ला दिया, और भारत के बांके नौजवानों के कारण से रेल भी रुक के नमस्कार करती है रोज, रेल भी रुक करके, ऐसे टंट्या मामा का कमाल था। क्या उनकी अपनी लड़ाई थी, क्या उनका तरीका था। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, हर बार जब जब भी भारत पे आक्रमण हुआ, भारत पे कोई टेढ़ी निगाह डालने वाला आया, हमारे आदिवासी भाई बहनों ने, और अभी तो तीर धनुष का मजा है, जो आए वो तीर धनुष देता है, और अभी तीर धनुष देवता का ही काम चल रहा है, बोलो जय जय सियाराम। किसी आदिवासी भाई बहन को पहचान करना हो तो तीर धनुष हिला दो तो मालूम पड़ जाता है, और भगवान राम की प्रतिमा पहचानना हो तो तीर धनुष हिला दो तो मालूम पड़ जाए कि जय जय श्री राम हो रहा है। और ऐसे समय में हम सब जानते हैं अयोध्या में उनका अपना कष्ट हुआ, लेकिन आदिवासी भाई बहन ने अपनाया उनको और 11.5 साल तक अपने साथ रखा, हमारे आराध्य। और आज भी भगवान राम को सबसे ज्यादा कोई प्रिय है तो हमारे अपने ये आदिवासी भाई बहन प्रिय है। जीवन भर वो चाहे राजा रहे, राम राज्य चलाते रहिए, लेकिन तीर धनुष को अपने शरीर से दूर नहीं रखा, ये हमारा सौभाग्य है। और हमारे देवी देवता ये भीलर देव की जय जयकार कर लें, भीलर देव महाराज की। आज के इस अवसर पर मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन होली के अवसर पर मेरी अपनी बधाई देता हूँ। आने वाले समय में जिस प्रकार से विकास का काम चल रहा है, अभी नर्मदा के माध्यम से कई जगह पानी दिया है, लेकिन जो जो क्षेत्र बचेगा प्रत्येक क्षेत्र में नर्मदा के पाइपलाइन बिछा करके उस क्षेत्र में भी बराबरी से पानी की लाइन देकर के खेती का इंतजाम किया जाएगा। कोई भी फालिया अगर पीने का पानी नहीं है तो सब दूर पीने का पानी का प्रबंधन भी मोदी जी की सरकार करेगी, ये आश्वासन आपको देना चाहूंगा। इसके अलावा आपके अपने गांव तक अगर बिजली नहीं आई और आपके गांव तक या फालिया तक सड़क नहीं बनी है, ये माननीय मोदी जी की सरकार और मेरी सरकार मिलकर के आपके एक एक फालिये तक, टापरे टापरे तक, क्या बोलते खापली पाड़ो, क्या बोलते हो अपनी मदद कर दी रे, ये खोपड़ी में थापड़ी थोड़ी देर से आती है, लेकिन आपकी बात का मजा आ जाता। जो मेरे को अगली बार सीख के आऊंगा, थोड़ा मजा आ रहा है आपकी भाषा सुन करके। लेकिन ये जो हमारा अपना नया जीवन, क्या रंग भरा त्योहार है, कितना सुंदर लग रहा आंखों को, कैसा लग रहा, भगवान भी ये दृश्य देखने के लिए तरसते होंगे, ये लिख के दे सकता हूँ। इतना अच्छा वातावरण, इतने प्रकार से नाचते नाचते देखने वाले थक जाए पर नाचने वाले भी थकते हैं। इतना बड़ा ढोल और शरीर छोटा सा, लेकिन क्या उठा के धाम धाम करे जाते, वो थाली की 12-12 बज जाती है, पता ही नहीं चलता है, फोड़ फोड़ देते थाली को। मैं थाली पर देखता रहता हूँ कभी कभी, कि बिचारी इसकी आत्मा होती है बोलती कि भैया थोड़ी दया कर ले, थोड़ी देर बाद बजा लेना। लेकिन ना तो पांव थके, ना थाली थके, ना ढोल रुके, इसी को तो भगोरिया कहते, यही तो मजा है जीवन का, ये जो आनंद है, ये जो मस्ती है, इसकी बात ही अलग है। आने वाले समय में हमारे लिए ये, आज तो चुनाव का समय चल रहा, मुझे घोषणा करने में तकलीफ है, लेकिन ये भगोरिया का हाट, ये हमारा राजकीय पर्व के नाम से जाना जाएगा। आने वाले समय में ये राजकीय पर्व हमारा रहेगा, राजकीय नाट्य नृत्य रहेगा। मैं अपनी ओर से एक बार फिर आपको होली की बधाई देता हूँ, आने वाले सभी त्योहार की बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी गजेंद्र जी हमारे बीच में है, आज गजेंद्र जी कहाँ भाई, ये जोरदार तालियां बजाओ गजेंद्र जी के लिए, मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए गजेंद्र जी को लाया हूँ। हम सब जानते हैं परमात्मा की दया से ये जो सरकार तीसरी बार मोदी जी की बनेगी, तो हमारे सभी आदिवासी भाई बहनों के लिए जीवन में बदलाव लाने के लिए,
कुछ अच्छा करने के लिए या कमल के फूल वाली पार्टी का ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।